प्रॉब्लम नंबर सेवन, गिवन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, सब के सब वेक्टर हैं, ठीक है, आपके बुक में ये बोल्ड करके लिखे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, चार स्टेटमेंट दिए हैं, कौन कौन से करेक्ट है, हम लोग एक एक करके उसको एनालाइज करते हैं। फर्स्ट है ए बी सी एंड डी मस्ट बी अ नल वेक्टर। देखो यदि दो टर्म का सम, दो वेक्टर का सम यदि जीरो है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों का वैल्यू जीरो होगा। लाइक यदि एक वेक्टर ए है और दूसरा बी है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इतना इस तरीके से है दोनों कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। सो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इन दोनों का जो सम होगा ना, इन दोनों को जब जोड़ोगे, डेट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो इसका सम क्या हो जाएगा, जीरो हो गया, क्योंकि दोनों सेम मैग्नीट्यूड का है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। सो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वेक्टर ए भी जीरो है और वेक्टर बी भी जीरो है। सो ये तो स्ट्रेट अवे रॉन्ग हो गया भाई, कि यदि चार का सम जीरो है तो वो नल वेक्टर होगा, फॉल्स। दूसरा हो गया द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस सी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस डी। सो बेसिकली ये जो चारों वेक्टर है ना, इसको दो पार्ट में बांट दिया है, ए प्लस सी के पार्ट में और बी प्लस डी के पार्ट में। सो आप यहाँ पर लिखोगे वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, और जिस पार्ट में इस सवाल ने बांटा है आप भी उसको बांट दो उसी में। सो ए प्लस सी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस डी। अब आप ना मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है तो दोनों साइड मैग्नीट्यूड ले लो। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस सी ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस बी प्लस डी, और बी प्लस डी का मैग्नीट्यूड लो या माइनस बी प्लस डी का मैग्नीट्यूड लो, सेम ही होगा। सो ये सेम हो गया। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, सपोज करो कि ये है आपको बी प्लस डी, ठीक है, ये वेक्टर है बी प्लस डी। सो इसका मैग्नीट्यूड लिए तो यही लेंथ हुआ। अब आप माइनस बी प्लस डी लोगे तो इसका ये क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस डी। सो इसका लेंथ सेम है, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। सो आप मैग्नीट्यूड में भी इंटरेस्टेड हो तो ये भी सही हो जाएगा। लेकिन यदि यहां पर यही चीज लिखा रहता द वेक्टर, मैं लिखता हूं द वेक्टर ए प्लस सी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस डी, तो क्या ये करेक्ट होता, नहीं करेक्ट होता। क्यों, क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन भी होता है मैग्नीट्यूड भी होता है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन यहां से देख करके आपको समझ में आ रहा है कि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। यदि ए प्लस सी इस डायरेक्शन में है तो बी प्लस डी आपको इस डायरेक्शन में है, लेकिन दोनों की लंबाई सेम है, दोनों का लेंथ सेम है। अब सी देखते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैन नेवर बी ग्रेटर देन द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी एंड डी। सो इसको पूरे जो ए बी सी डी को दो पार्ट में बांटा, बी सी डी और ए में बांटा। सो आप भी वही चीज करो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, और यहां से ए इज इक्वल टू माइनस बी प्लस सी प्लस डी। मैग्नीट्यूड की बात बोल रहा है, सो टेकिंग मैग्नीट्यूड बोथ साइड, बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो गया माइनस, अंदर में ले लो बी प्लस सी प्लस डी का माइनस साइन के साथ मैग्नीट्यूड। सो बेसिकली जब मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तब डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। सो ये इक्वल हो जाएगा बी सी डी के मैग्नीट्यूड के। सो ये भी आपको करेक्ट है। सो ये भी आपको ट्रू, ये भी ट्रू, ये फॉल्स। अब ये डी देखने से पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं, तब मैं फिर से आपको डी समझाता हूं। डी है बी प्लस सी मस्ट लाई इन द प्लेन ऑफ ए एंड डी इफ ए एंड डी आर नॉट कोलिनियर एंड इन द लाइन ऑफ ए एंड डी इफ दे आर कोलिनियर। सो बेसिकली आपको इन चारों वेक्टर से तीन वेक्टर बनाना है, वेक्टर ए, वेक्टर डी और वेक्टर बी प्लस सी, और दो केसेस कंसिडर करने होंगे। पहला होगा जब ए एंड डी आर नॉट कोलिनियर एंड व्हेन ए एंड डी आर कोलिनियर। So taking three vectors A, D and B plus C. अब केस वन कर दो, when A and D are not collinear, यदि वो एक लाइन में नहीं है, क्लियर है,
मीन्स कि यदि ऐसे रहे ऐसे रहे तो एक ही लाइन में है, या ऐसे रहे अपोजिट डायरेक्शन में रहे लेकिन एक ही लाइन में रहे, यहाँ पर एक लाइन में नहीं है, देन तो कैसा रहेगा? सपोज करो ए ऐसा है और डी जो है वो ऐसा है, ठीक है, सो एक लाइन में नहीं है, देन मेकिंग ए एंड डी साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। आप इसको साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल से यदि बनाओगे तो एक ए को इससे दिखा दिए और इसके ऊपर डी सपोज करो ऐसे आ गया, ठीक है, मीन्स कि डी का जो टेल है उसको ए के हेड से जोड़ दिए, क्लियर है। तो अब इस केस में जो इन दोनों का समेशन होगा, सम होगा, वो क्या होगा, ए के टेल से डी के हेड तक होगा। सो बेसिकली ये आपको हो गया ए प्लस डी। अब एज इट इज गिवेन, क्या दिया गया है आपको, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, या नल वेक्टर है। सो आप लिख सकते हो इसको बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ए प्लस डी, मीन्स कि जो बी प्लस सी वेक्टर है वो ए प्लस डी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है और डायरेक्शन अपोजिट है। सो ए प्लस डी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इतना ही लंबा है और डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है। सो आप अपोजिट डायरेक्शन में लोगे, अपोजिट डायरेक्शन में ले लिए और मैग्नीट्यूड इतना ही है। मैं आपको दिखाने के लिए इसके इससे अलग लिखा हूं, अदरवाइज आप इसको इसी के ऊपर दिखाओगे, लाइक आप ऐसे दिखाओगे ए डी और ये हो जाएगा बी प्लस सी, ठीक है। क्यों ये हुआ कंडीशन, ऐसा क्यों बना, बिकॉज इन दोनों इन चारों वेक्टर का जो सम है वो जीरो है। तो आप लिखोगे एज ए डी एंड बी प्लस सी फॉर्म्स साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल होगा तो क्या होगा, सो बी प्लस सी लाइज इन द प्लेन ऑफ ए एंड डी। यदि कोई ट्रायंगल का साइड फॉर्म कर रहा है तो वो क्या होगा, सेम प्लेन में होगा। सो ए और डी के ही प्लेन में आपको बी प्लस सी है, यदि ये कोलिनियर नहीं है तो। अब केस टू देख लेते हैं। सो केस टू है व्हेन ए एंड डी आर कोलिनियर, मीन्स कि एक लाइन में है। और कोलिनियर के लिए दो केसेस देखते हैं। पहला केस है, इसको सब केस बोल दो, व्हेन ए एंड डी आर पैरेलल, मीन सेम डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में होगा तो ये ए हो गया और डी आपको इसी डायरेक्शन में सपोज करो ये है, सो ए एंड डी, सो क्लियरली इन दोनों को जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस डी। अब एज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, सो बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ए प्लस डी। सो बी प्लस सी जो वेक्टर है वो ए प्लस डी के इक्वल है मैग्नीट्यूड में और अपोजिट डायरेक्शन में है। सो क्लियरली ये क्या हो जाएगा, इसी डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा और लेंथ इसका सेम होगा, सो बी प्लस सी। तो आप देख रहे हो ए और डी कोलिनियर है तो बी प्लस सी भी कोलिनियर हो गया। सो इट फ्रॉम एबोव एज द सम इज जीरो, एज द सम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज जीरो, सो बी प्लस सी इज कोलिनियर विथ ए एंड डी, क्लियर है। तो ये केस हो गया जब ये दोनों पैरेलल हो गया, जब ये एंटी पैरेलल होगा तो कैसा होगा, सो बी कर दो व्हेन ए एंड डी आर एंटी पैरेलल। देखो मैं आपको समझाने के लिए इतना फिगर करके बना रहा हूं, अदरवाइज आप सीधे इसका यूज करके ये लिख सकते हो कि ये चूंकि जीरो है सो बी प्लस सी इज कोलिनियर विथ ए एंड डी है, क्योंकि ए और डी ऑलरेडी कोलिनियर है।
तो इस केस में क्या होगा, ये आपको ए होगा, डी इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो डी आपको सपोज करो ये लेंथ का है, सपोज करो कि ए डी से बड़ा है, तो उस केस में ए प्लस डी क्या होगा, ये होगा ए प्लस डी, बिकॉज डी अपोजिट डायरेक्शन में, सो जब जोड़ोगे तो इसको घटा देगा। सो बी प्लस सी क्या हो जाएगा, बी प्लस सी आपको ए प्लस डी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो इसका लेंथ और इसका लेंथ सेम रहेगा और ये आपको डायरेक्शन हो गया बी प्लस सी का, ठीक है, कोलिनियर है, इसलिए इसको कैंसिल आउट होने के लिए इसको सेम लाइन में होना पड़ेगा। सो आई थिंक ये प्रॉब्लम आप समझ गए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 8 देखते हैं। सो प्रॉब्लम नंबर 8, थ्री गर्ल्स स्केटिंग ऑन अ सर्कुलर आइस ग्राउंड ऑफ रेडियस 200 मीटर स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द एज ऑफ ग्राउंड एंड रीचेस द पॉइंट क्यू डायमेट्रिकली अपोजिट टू पी फॉलोइंग डिफरेंट पाथ्स एज शोन इन द फिगर बिलो। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर ईच, फॉर विच गर्ल इज दिस इक्वल टू एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ स्केट। आपको देखो कि जो ए है ना वो पी से स्टार्ट की और क्यू तक इस पाथ से आई है, जो बी है वो इस पाथ से आई है और सी जो है वो इस पाथ से आई है। सो आपको ये जो पाथ जिससे आई है वो क्या हुआ, टोटल पाथ लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो देखो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से कौन आई है, तो बी आई है। सो आप बोलोगे पहले तो देखो कि इस सब के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का लेंथ सेम ही होगा। लाइक मैं यदि बोलूं ए के लिए तो ए ऐसे कुछ आई है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का लेंथ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का लेंथ। उसी तरीके से आप इसकी बात करो, सी की बात करो, तो सी भी आपको ऐसे ऐसे करके आई है यहाँ पर, और इसके लिए भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का लेंथ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और बी के लिए तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का लेंथ यही है। So, आप बोलोगे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर ईच इज 200 इंटू 2, इसका रेडियस 200 मीटर है तो 400 मीटर हो गया, और किस गर्ल का लेंथ डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है, तो बी का है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 9, ये भी अच्छा प्रॉब्लम है। ए साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर, सो इसका रेडियस 1 किलोमीटर है, रीचेस द एज पी ऑफ द पार्क, एज पी पे पहुंचता है यहाँ पर, ठीक है, सेंटर से स्टार्ट किया, ओ से स्टार्ट किया और पी पर आया, एंड देन साइकिल्स अलोंग द सर्कमफेरेंस एंड रिटर्न टू द सेंटर अलोंग क्यू ओ। सो ये यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ गया, फिर इस सर्कमफेरेंस पर ये चलता रहा और फिर यहाँ पर होकर के ऐसे आ गया। क्लियर है, मीन्स इसका मूवमेंट है ओ टू पी टू क्यू टू ओ। इफ दिस ट्रिप टेक्स 10 मिनट्स, ठीक है 10 मिनट्स लगता है, तो आपको नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है। सो टाइम टेकन कितना हो गया है, 10 मिनट्स, इसको मैं आवर में चेंज कर देता हूँ बिकॉज किलोमीटर में रेडियस है, सो ये हो जाएगा 10/60, डेट इज 1/6 आवर। डिस्प्लेसमेंट, यदि कोई पार्टिकल या यदि कोई ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट पर से मूव करके फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0। यहाँ से स्टार्ट किया, पूरा संसार घूम के आ गया, पूरा अंतरिक्ष घूम करके फिर से यहाँ पर आ जाएगा, तो तुम बोलोगे भाई तुमने तो डिस्प्लेसमेंट किया है 0। सो ये इसका मतलब उसने तो कुछ काम ही नहीं किया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सो आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या बोलोगे, 0, बिकॉज पार्टिकल जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पर आया है। एवरेज वेलोसिटी, यदि आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कितना हो जाएगा, 0/t, टाइम कुछ भी लोगे तो ये 0 ही हो जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो गया। अब मैं यदि बोलता हूँ एवरेज स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट, साइक्लिस्ट का एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप टोटल डिस्टेंस निकालोगे या टोटल टाइम निकालोगे। सो यहाँ ओपी जाने में इसको 1 किलोमीटर लगा, यहाँ पर ये लेंथ कितना हो गया, तो आपको जानते हो पूरे सर्किल का जो सर्कमफेरेंस लेंथ होता है वो होता है 2πr, और ये 360 डिग्री के लिए होता है, ये 90 डिग्री के लिए है, तो 90/360 डिग्री। ये समझे नहीं समझे, देखो 2
जब जब 360 डिग्री ट्रेवल करता है एंगल, तो लेंथ कितना ट्रेवल करता है? 2 पाई आर। सो 1 डिग्री करेगा तो क्या होगा? 2 पाई आर बाई 360। और यहाँ पर देखो ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। सो 90 डिग्री रहेगा तो 90 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये हो गया पाई आर बाई 2। आर का वैल्यू 1 किलोमीटर है तो हो गया पाई बाई 2। तो टोटल लेंथ हो गया टोटल डिस्टेंस। आपको एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस निकालते हो, तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 प्लस पाई बाई 2 प्लस 1, दैट इज 2 प्लस पाई का वैल्यू डाल दो, सपोज करो 3.14 रखते हैं, तो 3.14 बाई 2, 2 प्लस 1.57, दैट इज 3.57। सो ये हो गया टोटल किलोमीटर। और टाइम आपको पता ही है, तो एवरेज स्पीड हो जाएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 3.57 डिवाइडेड बाय 1/6। सो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 42 4, 3, 21.42 किलोमीटर पर आवर, आंसर यही होना चाहिए। सो ये तो हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। अब मान लेते हैं, सपोज करो कि इसमें मैं एक चेंज करूं और आपको बोलूं कि ये इतने पूरे टाइम में 10 मिनट्स में ये पार्टिकल ओ से पी से क्यू तक पहुंच रहा है, ओ से स्टार्ट किया पी से फिर क्यू तक गया, तब आपसे सेम चीज पूछे तो कैसे निकालोगे? तो फिर आपको पहले चीज निकालना होगा डिस्प्लेसमेंट। मैं जल्दी से यहाँ पर करके आपको दिखा देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ओ से स्टार्ट किया और फाइनली क्यू पे पहुंचा है, तो डिस्प्लेसमेंट आपको यही लेंथ हुआ। तो ये लेंथ कितना है? 1 किलोमीटर। सो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 1 किलोमीटर। मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूंगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, सो 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1/6, क्योंकि टाइम इतना ही है, सो हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। हम लोग मान रहे हैं कि ये ओ से स्टार्ट किया पी तक पहुंचा, फिर क्यू पर आ करके स्टॉप हो गया था, 10 मिनट में इतना ही टाइम लिया। फिर एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर इधर अब प्लस 1.57 डिवाइडेड बाय 1/6, तो हो जाएगा 2.57 डिवाइड इनटू 6, और यही आपको आंसर हो जाएगा। सो ये ऑलमोस्ट आ जाएगा 15.42 किलोमीटर पर आवर। सो अब देखें कि जहां पर गया कोई और कोई पार्टिकल, तो आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हो, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हो और एवरेज स्पीड कैसे निकालते हो। आई थिंक आप ये समझ गए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं।